ओके okay, स्टूडेंट्स आप लोगों ने अभी प्रीवियस स्लाइड्स में चेक किया होगा कि हमारे पास कौन कौन सी नोटेशन है जो मल्टी में हम यूज़ करते हैं मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स को रिलेशन मैट्रिक्स तो अब हम परफॉर्म करते हैं उसको एज अ एग्जाम्पल चेक करते हैं कि कैसे उसे फाइंड करते हैं हाउ टू फाइंड द मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड को रिलेशन मैट्रिक्स नाउ हेयर इज द एग्जाम्पल नाउ फाइंड द मीन वैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स एंड द कोरोलेसन मैट्रिक्स फॉर द टू रेंडम वेरिएबल्स एज यू नो दैट वट इज द रेंडम वेरिएबल of the x1 and x2 while the joint probability function f of x1 f of x2 is given by now here is the two random variable x1 and x2 x1 minus 1 0 minus 1 and x2 0 1 this is the joint probability distribution f of x1 f of x1 x1 f of x1 x2 so here we have joint distribution and you have एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन यानी टोटल हमारे पास डेटा गिवन है इस डेटा से अब हमने उसका मीन फैक्टर कोवेरियंस मैट्रिक्स और कोरिलेशन मैट्रिक्स फाइंड करनी है और हमारे पास फिलहाल इस वक्त जो करंट एग्ज़ाम्पल है उसमें टू रैंडम वेरिएबल्स हैं मोर देन टू भी हमारे पास आएंगे फर्दर करंट एग्जाम्पल हमारे पास है टू रैंडम वेरिएबल्स की नाउ द सल्यूशन एक्स वन एक्स वन हमारे पास रैंडम वेरिएबल माइनस वन जीरो वन एफ वन एफ ऑफ एक्स वन ये हमारे पास क्या है x1 वन एफ ऑफ ये पूरा कॉलम एंड यू नो दैट द सम ऑफ प्रॉबलिटी विच इज इक्वल्स टू वन वो हमने यहाँ पे लिखा है कॉलम ठीक है देन फर्दर हमारे पास ये कॉलम क्या है कि x1 वन मल्टीप्लाई बाय दिस एक्स वन मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ एक्स वन नाउ सेकेंड एक्स टू द सेकेंड रैंडम वेरिएबल एक्स टू जीरो वन एंड द एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू राइट इन एक्स टू अब इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन नाउ मल्टीप्लाई दीज कॉलम फर्दर आपके पास ये रिजल्ट हो गया और ये साम सम किसका है एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन और साम सम द टोटल इज एक्स टू एफ ऑफ एक्स टू टोटल ये हमारे पास टेबल है उस टेबल में हमें जो रिक्वायर्ड थी रिजल्ट वो हमने फाइंड कर लिए ना फाइंड द मीन वैक्टर ठीक है मीन वैक्टर म्यू विच इज इक्वल्स टू म्यू वन म्यू टू मीन वैक्टर म्यू वैक्टर हमारे पास ना हमने फाइंड करना है म्यू वन एंड द म्यू टू वेयर म्यू वन ये जो आपके पास म्यू वन है म्यू वन विच इज इक्वल टू सम ऑफ ऑफ समम वेरिएबल में आपने सारी चीज़ें पढ़ी हुई होंगी आपको आइडिया होगा कि रेंडम वेरिएबल जब हम यूज़ कर रहे हैं कि रेंडम वेरिएबल के अकॉर्डिंग क्या होता है म्यू वन की वैल्यूज सम एक्स वन एफ ऑफ एक्स वन अब समन एफ ऑफ एक्स वन कहाँ से आया पॉइंट वन जीरो म्यू टू सेकेंड हमारे पास वैल्यू रैंडम वेरिएबल की हमने चेक करनी है sum, X2, F of X2, ये हमने यहाँ से लिया नाइंट वन जीरो म्यू वन और म्यू टू की वैल्यू है so, अब मेन वैक्टर क्या हो गया म्यू वन म्यू टू पॉइंट वन जीरो एंड पॉइंट टू जीरो दिस इज द दीन वैक्टर सिंपल जैसे हम मेन फाइंड करते हैं तो so, हमारे पास ये मेन वैक्टर की वैल्यूज आ गए हैं नाउ नेक्स्ट फाइंड दी को वेरियंस मैट्रिक्स Now, this is the covariance matrix sigma 1 1, sigma 1 2, sigma 2 1, and sigma 2 2. This is the covariance matrix. How to find the covariance matrix? Now, sigma 1 1, as we know that the expected value of x1, which is equal to the mu 1. Now, the expected value of x2, which is equal to the mu 2.

यानी सम एक्सपेक्टेशन ओपन करनी है साम एक्स वन स्केयर इंटू इट्स प्रोबिलिटी तो प्रोबिलिटी क्या है एफ वन ऑफ एक्स वन तो ये यहाँ पे मैंने नोटेशन लिखी हुई एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन स्केर कैसे हमने ओपन कर लिया है? कि यूनिट इंटू इट्स प्रोबिलिटी तो एक्स वन स्केयर इंटू इट्स प्रोबेबिलिटी माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन अभी प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने देखा है कि एक्स वन किसके इक्वल होगा सम एक्स वन एफ ऑफ

थ्री जीरो यानी माइनस वन स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री जीरो प्लस जीरो स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट थ्री प्लस वन स्क्वेयर मल्टीप्लाई बाय पॉइंट फोर जीरो तो ये हमने किया माइनस वन स्क्वेयर इंटू पॉइंट थ्री ये मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पे प्लस है जीरो स्क्वेयर इंटू जीरो पॉइंट थ्री प्लस वन इंटू पॉइंट फोर तो वन इंटू ना वन इंटू जीरो पॉइंट वन इंटू पॉइंट फोर इस वजह से पॉइंट फोर लिखा हुआ है जीरो इंटू दिस फैक्टर आपको पता है जीरो को किसी से भी मल्टीप्लाई विच इज इक्वल टू जीरो माइनस वन का स्क्वेयर माइनस वन का स्क्र विच इज इक्वल टू वन इंट पॉइंट थ्री जीरो माइनस पॉइंट वन होल स्केर अब ये पॉइंट वन क्या था पॉइंट वन हमारे पास बेसिकली क्या था म्यू वन तो पॉइंट वन हमारे पास म्यू वन ठीक है इस सारे फैक्टर को आपने सॉल्व किया तो आंसर आ गया जीरो पॉइंट सिक्स नाइन हमारे पास आ गया सिग्मा वन वन फाइंड थी सिगमा टू टू साम एक्स टू स्क्र एफ ऑफ एक्स टू माइनस सम एक्स टू x2 एफ ऑफ एक्स टू होल x2 टू यानी ये फैक्टर यू नो दैट विच इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स टू विच इज इक्वल टू म्यू नाउ है जीरो मल्टीप्लाई बाय पॉइंट एट प्लस वन मल्टीप्लाई बाय पॉइंट टू जीरो जीरो मल्टीप्लाई बाय पॉइंट एट प्लस वन स्क्र इंटू पॉइंट टू जीरो जीरो का आपको पता है जीरो ही है फर्दर इसको सॉल्व किया तो रिजल्ट आ गया सिग्मा टू टू पॉइंट वन से तो आपके पास ये जो हमने किया है सिग्मा सिग्मा में हमारे पास आगे सिगमा वन वन की वैल्यू भी आ गई है देन सिग्मा टू टू की वैल्यू भी हमने फाइंड कर ली ना नेक्स्ट इज दिग्मा वन टू सिग्मा वन टू मीन कोवेरियंस फाइंड करना है ना विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू जर्नरल डेफिनेशन ऑफ द कोवेरियंस

प्रॉबिलिटी ऑफ एक्स वन एक्स टू अब आप फर्दर देखो हम इसे कैसे फाइंड कर रहे हैं माइनस वन इंटू ज़ीरो इंटू पॉइंट टू फोर माइनस वन इंटू ज़ीरो इंटू पॉइंट टू फोर के माइनस वन यानी एक्स वन इंटू एक्स टू इं एफ ऑफ एक्स वन एक्स टू ठीक है माइनस वन इंटू ज़ीरो इंटू पॉइंट टू फोर तो ये हमने किया माइनस वन इंटू ज़ीरो इंटू पॉइंट टू फोर प्लस प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो ठीक है हमारे पास क्या है प्लस ज़ीरो इंटू ज़ीरो इंटू पॉइंट वन सिक्स प्लस जीरो इंटू जीरो इंटू पॉइंट वन सिक्स ठीक है नेक्स्ट हम क्या होगा माइनस वन इंटू जीरो इंटू पॉइंट फोर ज़ीरो यानी अप टू सो ऑन ये आ गया आपके पास ठीक है ये टू सो ऑन के थर्ड वैल्यू ये आनी है नेक्स्ट पे माइनस वन वन इंटू पॉइंट जीरो सिक्स माइनस वन माइनस वन इंटू वन इंटू पॉइंट जीरो सिक्स दैन ज़ीरो इंटू वन पॉइंट वन फोर माइनस वन इंटू वन इंटू ज़ीरो तो सारी हम आपके पास ये सारी कैलकुलेशन होगी ये सारी कैलकुलेशन हमने फाइंड कर लेनी है देन यू नो दैट द माइनस म्यू वन इंटू म्यू टू व्हिच इज़ इक्वल्स टू पॉइंट वन तो सारा सोलूशन आपके पास आ गया माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट एट की वैल्यू नेगेटिव एक्जिस्ट करती है ठीक है तो हमारे पास हम इसको सामने अब कैसे लिख रहे हैं यानी वेरियंस को वेरियंस मैट्रिक्स को वेरियंस मैट्रिक्स में हमने कैसे लिखा है ये आपके पास क्या हो गया सिगमा वन वन सिगमा वन वन क्या था पॉइंट सिक्स नाइन वो एंटर कर लिया है सिगमा वन टू और सिगमा टू वन की वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं होगा ठीक है तो सेगमा वन टू सेगमा टू वन हमारे पास माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट माइनस जीरो पॉइंट जीरो एट तो सिगमा टू टू सिगमा टू टू की वैल्यू क्या है हमारे पास बेसिकली वो आ रही है जीरो पॉइंट वन तो ये हमने सारी एंटर कर ली आपको कोवेरियंस मैट्रिक्स का भी आइडिया हो गया नेक्स्ट फाइंड द कोरिलेशन मैट्रिक्स आज यू नो दैट द कोरिलेशन मैट्रिक्स नोटेशन इज रो डी इनवर्स सेगमा डी इनवर्स और डी इनवर्स में अभी आपको मैंने पहले बताया था कि डी इनवर्स बेसिकली हम क्या लेते हैं डी बेसिकली डी क्या है डायगनल ऑफ सिग्मा आई आई मीन सेगमा वन वन सेगमा टू टू स्क्र रूट डायगनल ले लिए एंड ऑफ डायगनल आर जीरो ठीक है ये हमारे पास डी आ गया अब हमने क्या किया है? कि सिग्मा वन वन स्केयर रूट सिग्मा वन वन क्या था जीरो पॉइंट सिक्स नाइन एंड सिग्मा टू टू जीरो पॉइंट इनके स्क्यर रूट लेने ठीक है ठीके? ये स्क्र रूट की वैल्यू हमने यहाँ पे लिख ली अब स्केयर रूट लेने के बाद हमने नेक्स्ट क्या करना है इनवर्स लेना है इट मीनस कि वन ओवर पॉइंट एट थ्री जीरो सेवन एंड वन ओवर पॉइंट जीरो फोर तो हमारे पास डी इनवर्स की वैल्यू भी आ गई देन पुट दी वैल्यूज इन दी को मैट्रिक्स ना रो विच इज इक्वल्स टू डी इनवर्स वो भी हमारे पास है सिग्मा प्रीवियस स्लाइड में थी और डी इनवर्स इस सारे को आपने मल्टीप्लाई करके फाइनल ये रिजल्ट आ रहा है तो फर्स्ट हम क्या कर लेते हैं इन टू फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं ये देखो ये वाला फैक्टर ये आपके पास मैट्रिक्स एज एट इज रखी हुई है इसे आप कैसे करोगे यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई किया मीन्स 1.2038 पॉइंट टू जीरो थ्री एट मल्टीप्लाई बाय जीरो प्लस जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी फैक्टर तो वो जीरो एनी वैल्यू विच इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगी ठीक है ये आपने सारा सॉल्व किया है तो आपको ये आइडिया है कि ये टू इंटू टू की मैट्रिक्स है और ये भी टू इंटू टू की मैट्रिक्स है तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा ये रिजल्ट विच इज़ इक्वल्स टू टू इंटू टू का रिजल्ट आएगा देन ये टू इंटू टू मैट्रिक्स आ गई है देन मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स डी इनवर्स मैट्रिक्स सो फाइनल सोल्यूशन हमारे पास मल्टीप्लाई कैसे किया है आपने जीरो पॉइंट एट थ्री जीरो सिक्स मल्टीप्लाई बाय वन पॉइंट टू जीरो एट थ्री जीरो मल्टीप्लाई बाय एनी वैल्यू विच इज इक्वल टू जीरो ठीक है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकेंड कॉलम ठीक है इस तरीके से आपने कोरिलेशन मैट्रिक्स को सॉल्व कर लेना